हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं पपीते क्यों काट रही हूँ और कुछ बोल नहीं रही हूँ। ऐसा कुछ बात नहीं है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो पपीता लिया है, कच्चा पपीता। ये बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। अगर आप इसको दाल में देख के खाओगे बॉयल, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और पपीता का चटनी भी बनता है। आलू और पपीते को प्याज, कच्चा मिर्चा, धनिया पत्ता देके बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है इसका। और मैं बनाऊंगी इसका सब्जी। तो अच्छे से छिलका उतार देते हैं, उसके बाद इसको धो लेंगे। धोने के बाद मैं इसको क्रश करूंगी। क्रश करने से बहुत ही मतलब अच्छा होता है और बहुत जल्दी सीज जाता है ये। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ का धूप आप देख रहे हैं, यहाँ का धूप अब भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे आसाम में थोड़ा सा ठंड गिर गया है, जो बहुत अच्छा लगता है धूप के साथ। तो मैं यहाँ पे प्लेट लेके आती हूँ, और मेरा जो सुबह का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और ये क्रेशर जो है छोटा वाला, इससे मैंने सोचा था इससे ही काम चल जाएगा, लेकिन इसको क्रेश करते करते मेरा हाथ दुख गया था और ये टूट भी गया था। तो इसीलिए मैंने, तो देखिए, तो इसीलिए मैंने बड़ा वाला केशर ले लिया। और मैं एक और कंप्लीट करके ही आपको दिखाया था, तो एक और कर रही हूँ क्रेशर से। और मेरा हाथ बहुत दुख रहा था, क्योंकि ये बहुत टाइम ले लिया था क्रेश करते करते। और मेरा सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है। रुद अभी खेल रहा है और गुड़िया कर रही है पढ़ाई। तो इसीलिए मैंने अपना ब्लॉग को स्टार्ट किया है। तो देखिए, मेरा हो गया दो पपीते को क्रेश करना कंप्लीट। अभी मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो इससे पहले जितना भी चाय का बर्तन था, यानी ब्रेकफास्ट में हम लोग बनाए थे या चाय और हलवा, तो उसी का बर्तन था, अच्छे से धो लेती हूँ। तो उसके बाद बनाऊँगी सब्जी। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है, और इसको ये सब्जी को बच्चों को खिलाने से भी बहुत अच्छा होता है। तो इधर मैं बर्तन भी धो रही हूँ और सासू माँ से बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पीछे सासू माँ खड़ा है। तो सासू माँ से बहुत बात हो रही है। सासू माँ कुछ कुछ बोल रही है, तो मैं भी वही हाँ ना में जवाब दे रही हूँ। तो इस तरह से आप बात करते करते काम करोगे तो काम फटाफट से हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा घर में तो ऐसे ही चलता है, बात भी करते हम लोग काम भी कर लेते हैं, तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं सुबह का जो बर्तन है वो बहुत सारा है। तो क्रेश करने के बाद हाथ का जो नीचे का हिस्सा है मेरा, वो बहुत दुख रहा था। तो और ये जो चाय का जग है, ये अच्छे से साफ नहीं हुआ है। इसको मैं फिर से गर्म पानी में डाल के, साबुन अंदर में दे के, ये अच्छे से साफ करूँगी। तो देखिए, मेरा बर्तन जो है धोना कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं बनाऊंगी मसूर की दाल, चावल, पपीते की सब्जी और एक पटल की सब्जी बनाऊंगी। उससे पहले थोड़ी सी साफ सफाई करने का बाद ही मैं बनाती हूँ खाना। तो देखिए, मैंने पपीते के सब्जी बनाने के लिए मेरा कढ़ाई जो है गर्म हो चुका है। इसमें मैं 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। यहाँ पे जीरा और तेजपत्ता डाल दिया है। तो जीरा चटकना हो गया है, अभी मैं पपीते को डाल देती हूँ। तो इधर रुद इतना रो रहा था, और मेरा वीडियो में ऑन करके ही चली गई थी उसके पास, यानी वो गिर गया था, तो इसलिए मैं उसके पास चली गई।
बहुत बड़ा वीडियो हो रही थी। तो देखिए मैं उसको ना गोदी में लेके ही आ गई हूँ क्योंकि बहुत रो रहा था, वो खेलते खेलते गिर गया है, तो इसीलिए बच्चा है क्या करे, अभी खेलेगा गिरेगा तब ना बड़ा होगा बच्चा। तो मैंने इसलिए कट नहीं किया इसको क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हम लोग जब जब खाना बनाते हैं ना तब तक ऐसा ही होता है मेरे साथ। खाना आधा बनाते हैं तो रुद रोता है या रुद गिर जाता है, तो मुझे खाना को स्टॉप नहीं, इसको लो फ्लेम में डाल के मुझे जाना पड़ता है। तो देखिए मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और देखिए मेरा बाबू मेरा गोदी में है और इसका आंसू देखिए देख सकते हैं आप, तो इसका आंसू देखिए नींद में टकपक होके है लेकिन ये नहीं सोएगा, ये कभी भी सुबह उठ के 10-11 बजे नहीं सोता है, इसका टाइम है सुबह उठेगा ये 7 बजे और सोएगा सिर्फ 1 से 1.5 बजे तक, दोपहर को सो जाता है। तो देखिए ये थोड़ा चुप हुआ है, तो मेरा जो पपीता है उसको मैंने हल्दी नमक दे दिया था, अच्छे से फ्राई कर रही हूँ उसको लो फ्लेम में ढक ढक के। अच्छे से ढक दिया है, अब मैं इसमें दूंगी गरम मसाला 1/2 चम्मच और डालूंगी थोड़ी सी घी, यानी 1 चम्मच घी मैंने यहाँ पे डाला है। आप इस प्रोसेस से बनाते हूँ मैं, तो इस प्रोसेस से बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है ये पपीते की सब्ज़ी। तो अच्छे से मिला देते हैं और गैस को कर देंगे ऑफ। और मैंने लंच अभी तक नहीं किया है, यानी अभी नहीं करूँगी मैं, आके करूँगी लंच क्योंकि वहाँ पे जाने में टाइम लग जाएगा। यानी मैं आज जा रही हूँ बाहर, आपको बताने भूल गई हूँ, मैं जाऊँगी बाहर हस्बैंड के साथ। तो मैंने खाना वाना बना के गई थी, दे तो देखिए सब्जी तो हो गया है मेरा कंप्लीट, चावल दाल सब्जी और एक सब्जी था वो भी मेरा हो चुका है। अभी मैं सभी सब ढक के जाऊंगी, तो देखिए देखने में बहुत सुंदर है और बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों अभी बज रहा है दिन का 11 और आज है 26 अक्टूबर और मेरा सारा काम हो चुका है, तो अभी मैं जाऊंगी हस्बैंड के साथ। मैं जाऊंगी हमारे जो साल में पूजा होता है काली पूजा, तो उसी का मूर्ति का ऑर्डर देने जाऊंगी। तो अभी मैं निकलूंगी, उससे पहले मेरा जितना भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है और रुद को अभी नहा के खिला के उसके बाद सुला के ही मैं जाऊंगी। तो जाती हूँ, चलिए मिलते हैं थोड़ी देरी बाद। तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं बाहर निकल गई और निकलते ही एक आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसको, ये क्या सुंदर पेड़ पे लटक के कोला के पत्ते को खा रहा है। तो ये जो सीन है मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो की हूँ, और ये देखिए क्या सुंदर कारीगरी है। यहाँ पे एक शिवलिंग नहीं, शिव जी का मूर्ति बन रहा है और यहाँ पे बहुत सारा मूर्ति है जो बना के रखा है। तो हस्बैंड भी बात कर रहा है इन लोगों से, हम लोग घर से यहीं से मूर्ति लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मूर्ति से बना के रखा है, मिट्टी का मूर्ति, कितना सुंदर कारीगरी है यहाँ पे। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और आके बहुत ही अच्छा लगा है। और ये वाला जो मेरा पीछे मूर्ति है ये बहुत अच्छा लगा देख के। तो यहाँ पे जो मूर्ति हम लोग लेते हैं हर साल वो लेना हो गया है, मतलब हम लोग कुछ एडवांस देके आ गए हैं और इसके बाद जाऊंगी मैं शोरूम, यानी हस्बैंड के लिए शू खरीदने। तो इनका जो जूता है जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो